नमस्ते एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड वेलकम बैक टू माय इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ब्लॉग। सो आज इंडिपेंडेंस डे है एंड मी एंड माय फैमिली इज गोइंग आउट ऑन अ लॉन्ग ड्राइव एंड हम शायद चंदन नगर जाएंगे एंड ऑल्सो मेरे पापा के जो बाइकर्स गैंग का जो क्लब है हम लोग वहाँ जाएंगे। सो या मैं आपको अपने साथ लेके चल रही हूँ। सो लेट्स गो एंड जॉइन मी ऑन दिस स्पेशल डे ट्रिप। लेट्स गो। तो हम आ गए चंदन नगर एंड इस पार्क का नाम है वंडरलैंड पार्क। हाँ, ये वो वाला वंडरलैंड नहीं जैसा आप सोच रहे हो। इट्स लाइक पार्क का नाम है वंडरलैंड एंड टू बी ऑनेस्ट ये पार्क मुझे कॉलेज कैंपस जैसा लग रहा था, लेकिन काफ़ी रिलैक्सिंग लग रहा था। वेदर भी काफ़ी अच्छा था, हर जगह ग्रीनरी था, प्लांट्स पौधे एंड बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं। इट वॉज लाइक रिलैक्सिंग, काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पर घूमने में। नेक्स्ट हम इस पार्क में आए एंड ये पार्क में जो ये झूला है इनको देखते ही मुझे अपना बचपन याद आ गया, जहाँ मेरे पापा अपना कार सर्विसिंग वॉशिंग के लिए जाते थे। तो वहाँ बगल में एक ऐसे ही पार्क था जहाँ पर ये वाला था एंड मैं हमेशा इस राइड में आती थी। तो आई टुक सम पिक्चर्स एंड ये पिक्चर्स आपके सामने हैं। बाप रे, कितना डरावना लग रहा है। कितना डरावना लग रहा है रैपिंग बुद्धा। कितना डरावना जोकर, हम सच में इसको देख के डर गए थे एकदम। दिस प्लेस इज एक्चुअली रियली ब्यूटिफुल। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है एंड जस्ट लुक एट दिस व्यू। ओह माय गॉड, मुझे यही चीज़ पसंद है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर। फोटोग्राफी सब लोग ऑल बैग ब्लैक है, ऑल ब्लैक फैमिली, ऑल ब्लैक फैमिली, सब लोग ब्लैक में ही है। तुम कहाँ, इधर तो सब हम ही प्रिंटेड है। बारिश शुरू हो गया पूरा और काफी तेज बारिश हो रहा है। चाय पीते, चाय। पिक्चर खींचने में बिजी है, मम्मी पापा ऑलरेडी कार में पहुंच चुके हैं और फोन कर करके डांट रहे हैं। चलो। सो एज आई सॉ उस पार्क में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो वी डिसाइडेड टू हेड आउट एंड हम जा रहे हैं मेरे पापा का बाइकर्स गैंग वाली जगह। एंड एज यू कैन सी हम यहाँ पर आ गए। ये बाइकर्स टाइप के है, मेरे पापा बाइकर्स गैंग ग्रुप के पार्ट है, तो हम लोग वहीं पर आए हैं। As you can
बिजी आज इंडिपेंडेंस डे भी था तो उसका एक पार्टी चल रहा था एंड मेरे डैड ने बोला कि वहाँ के एक ग्रुप का एनिवर्सरी था तो उस एनिवर्सरी के ऊपर उनके लिए पार्टी था यहाँ पर तो उसी पार्टी को हम लोग अटेंड करने के लिए आए थे। तो ये रहे मेरे डैड, इनको ये जो ग्रुप का मर्च या फिर टी शर्ट आई डोंट नो उनको क्या बोलते ये लोग, तो उनको ये मिला जो ये पहन के घूम रहे हैं। एंड फिर हम यहाँ निकलते समय कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी मिले, इसमें ये वेफर्स है एंड हम लोगों इसमें ये भी मिला, पेपर बोट का ड्रिंक्स मिला एंड कुछ कार्ड्स वगैरह लाइक ये पॉल बाबू करके आई डोंट नो कौन है एंड बहुत से स्टिकर्स मिले, ये की रिंग्स भी मिला हमें एंड ये सारे स्टिकर्स है, ये प्लेन कार्ड पता नहीं क्या है एंड ये फूड कूपन भी हमें मिला बट वी डिसाइडेड कि बहुत लेट हो गया तो बाहर रास्ते में कुछ खा लेंगे एंड ये सारे स्टिकर्स वगैरह मिले एंड ये मेरे पापा ग्रुप का स्टिकर है एंड ये सब स्पॉन्सर वगैरह। रास्ते में हम लोग को भूख लग गया था तो हम इस ढाबे में रुके हैं कबाब विलेज एंड काफ़ी ब्यूटीफुल भी लग रहा था, आप देख सकते हो यहाँ पर सब कुछ था ऑलमोस्ट। This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, you put the work in, we got some work, man. Hello. So we are home and रास्ता हम लोग को पूरा 2-3 घंटे का लंबा का रास्ता था एंड हम बात करते करते ऐसे टाइम पास करके आ गए एंड सब काफ़ी टायर्ड लाइक सुबह से निकले हैं एंड अभी रात के 12 बजने वाले हैं तो इट्स वेरी लेट। सो हम लोग ने ड्रेस चेंज किया एंड थोड़ा बहुत बैठे एंड अभी फ़ोन सबका फ़ोन का बैटरी खत्म है, इसका भी ओवर होने वाला, ये पूरा डाई होने वाला है ये फ़ोन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे एंड या जय हिंद, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेरे डोल चुप।